आज की ये वीडियो ये फोकस करती है कि एक जॉब सीकर कैसे आइडेंटिफाई करे कि कोई जॉब फेक है या जेन्युइन है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ फेक ऑफर लेटर्स के एग्जाम्पल दिखाऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि अगर आप कंफ्यूज हैं और पता नहीं कर पा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर जॉब जो है फेक है या जेन्युइन है, तो आपको क्या करना चाहिए। The very first sign of a fake job and which is very common also is demand of money. कोई भी जॉब जो किसी भी रीजन से आपसे पैसे डिमांड करती है वो फेक जॉब है। चाहे वो पैसे डिमांड करें कि इंटरव्यू फाइनलाइज करने के लिए आपका, या फिर आपको टिकट्स आएंगी इसलिए आपको पैसे देने हैं और आपको किसी पर्टिकुलर इंटरव्यू लोकेशन पर जाना है। एनी काइंड ऑफ मनी विच इज बींग आस्क्ड फॉर अ जॉब इज अ फेक जॉब। आपको कभी भी ऐसी जॉब पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और स्ट्रेट अवे मना कर देना चाहिए। द सेकेंड साइन इज कि अगर आपको कोई जॉब मार्केट स्टैंडर्ड से ज्यादा सैलरी ऑफर कर रही है, सपोज आप एक एंट्री लेवल कैंडिडेट हैं और जो मार्केट स्टैंडर्ड्स है फॉर पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव पोजीशन इज अराउंड 20,000 और 25,000, अगर वो जॉब आपको 40,000 50,000 सैलरी ऑफर कर रही है, सो दैट इज अ फेक जॉब। मार्केट स्टैंडर्ड से हटके अगर कोई चीज हो रही है, दैट इज अ फेक जॉब। द थर्ड साइन ऑफ अ फेक जॉब इज अ वेरी बैड रिटन जॉब प्रोफाइल। एक एडवर्टीजमेंट जिसमें क्लियरली और नहीं लिखा है कि जॉब ड्यूटीज क्या होंगी और कैसा कैंडिडेट इस प्रोफाइल के लिए फिट रहेगा, वो फेक जॉब है। सिर्फ दो तीन लाइन में आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा ऐसी एडवर्टीजमेंट्स पर कि कैसा कैंडिडेट चाहिए या फिर क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बट वेक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्लियरली, सो दैट इज अ फेक जॉब। द फोर्थ साइन ऑफ अ फेक जॉब इज अ जॉब विच इज ऑफर्ड टू यू विदाउट इंटरव्यूज। मतलब एक एडवर्टीजमेंट या फिर कोई कंसल्टेंसी से आपको कॉल करे कि आपकी नौकरी लग जाएगी विदाउट इंटरव्यू, आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा बिना इंटरव्यू के, दैट इज अ फेक जॉब। बिना इंटरव्यू के कोई भी नौकरी नहीं मिल सकती है। हर नौकरी पाने के लिए एक क्राइटेरिया होता है, आपको एक टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। वो टेस्ट टेलीफोनिक भी हो सकता है, वीडियो राउंड ऑफ इंटरव्यू भी हो सकता है, वो एक रिटन टेस्ट भी हो सकता है या एक प्रॉपर इंटरव्यू भी हो सकता है। कोई भी कंपनी बिना इंटरव्यू के किसी कैंडिडेट को हायर नहीं करती है, चाहे वो जो मर्जी पोजीशन हो, जितनी मर्जी बड़ी पोजीशन हो, जितनी मर्जी छोटी पोजीशन हो, विदाउट इंटरव्यू अगर कोई आपको जॉब ऑफर दे रहा है या फिर आपको प्रॉमिस कर रहा है, दैट इज अ फेक थिंग। द फिफ्थ साइन इज फेक डोमेन आईडी। डोमेन आईडी आई मीन ईमेल आईडी, जिसमें फेक ईमेल आईडीज लिखी हो, जो आपको लग रहा हो कि ये ईमेल आईडी बड़ी अजीब सी है। जनरली कंपनी की जब एडवर्टीजमेंट होती है तो कंपनी की ईमेल आईडी लिखी होती है, राइट? सो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ जॉब ऑफर्स के। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं आपको फेक ऑफर लेटर्स के एग्जाम्पल दिखाऊंगी, तो ये फेक ईमेल आईडी का कॉन्सेप्ट आपको मेरे एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। शोइंग यू द फेक ऑफर लेटर ऑफ एयर इंडिया रिक्रूटमेंट, इफ यू रीड दिस लेटर केयरफुली यू विल गेट एन इंडिकेशन दैट दिस इज अ फेक ऑफर लेटर। जस्ट नोटिस द ईमेल आईडी हियर, द डोमेन आईडी इज फेक, इट्स रिटन ज्वाइन एट एयर इंडिया HRM.in। टू आइडेंटिफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ईमेल आईडी, हम गूगल पे जाकर इसको सर्च करेंगे। एंड द सेकेंड रीजन दिस जॉब इज फेक इज इट्स बीइंग आस्किंग फॉर अ मनी। यहाँ पर लिखा है कि यू हैव टू डिपॉजिट रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट ऑफ 9,800 इन फेवर ऑफ दिस बैंक अकाउंट। सो एनी काइंड ऑफ मनी विच इज बीइंग आस्क्ड फॉर द इंटरव्यू इंडिकेट्स अ फेक ऑफर। सो फेक डोमेन आईडी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एयर इंडिया की वेबसाइट पर जाते हैं। लेट मी जस्ट शो यू ऑन गूगल, विल जस्ट गो ऑन गूगल and we will search Air India. We will type Air India and we will open the website of Air India. When we go to the website of Air India, we will simply go to the contact and we will verify the domain here. Just notice the domain IDs are contact us at airindia.in. And if you notice in the offer letter, the domain ID is airindiahrm.in. So this verifies that this offer letter is fake क्योंकि domain ID match नहीं कर रही है। Now
ये देखते हैं कि अपने आप को हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, एक जॉब सीकर अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकता है इन चीजों से बचने के लिए। सबसे पहली बात तो आपको कभी भी पैसे नहीं देने हैं किसी भी जॉब के लिए, अपना क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन या बैंक डिटेल या ओटीपी, आपके वॉलेट्स का इन्फॉर्मेशन कभी भी शेयर नहीं करना है। सेकेंड, अगर आप कंफ्यूज हैं कि कोई जॉब जेन्युइन है या फेक है, तो उसका बेस्ट तरीका है कि आप कंपनी की वेबसाइट को रिसर्च कीजिए, कंपनी के गूगल रिव्यूज पढ़िए, ग्लास डोर रिव्यूज पढ़िए, और भी जहां रिव्यूज मेंशन है वो सब पढ़िए रिव्यूज आप, और साथ में आप कंपनी के बोर्ड लाइन पे कॉल कीजिए। मोबाइल नंबर अगर दिया हुआ है उस पर भी करिए, बट बोर्ड लाइन पे भी जरूर कॉल करिए, और वहां पे कोशिश करिए कि आप एचआर से कनेक्ट करें। अगर एचआर से कनेक्ट नहीं हो पाता है तो आप रिसेप्शन पे ही पूछ सकते हैं कि ये क्या जॉब चल रही है, मुझे इस जॉब ऑफर के लिए अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, एक्सेट्रा। जनरली 90% कंपनी के रिसेप्शन पे जो बैठते हैं उनको पता होता है कि किस टाइप के जॉब हायरिंग चल रही है या किस टाइप की वैकेंसीज हैं। रिसेप्शन पे जो बैठते हैं उनको इसलिए पता होता है क्योंकि जब भी कोई कैंडिडेट या कोई भी विजिटर कंपनी में आता है वो सबसे पहले रिसेप्शन एरिया पर जाता है, और रिसेप्शन एरिया पे ये चीज पूछी जाती है कि किस पर्पज से आए हैं। तो रिसेप्शन पे इन्फॉर्मेशन रहती है कि किस टाइप के इंटरव्यूज चल रहे हैं। सो अगर आप कॉल करेंगे आपको पता चल जाएगा कंपनी कितनी जेन्युइन है, जॉब ऑफर सच में चल रहा है या नहीं। ओके, द लास्ट थिंग, अगर आप सपोज चले भी जाते हैं किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए, आप जा रहे हैं और आप रास्ते में हैं, आप देख रहे हैं कि कंपनी का एड्रेस समझ में नहीं आ रहा है और कंपनी बिल्कुल एक एरिया ठीक नहीं है जहां पे कंपनी लोकेटेड है, आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे कैसे वहां पहुंचे, या फिर बिल्कुल ही एक खाली जगह पर है, तो आप ऐसे इंटरव्यू पर नहीं जाएं, वहीं से वापस आ जाएं। ओके, सो इन चीजों से अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो आई रिक्वेस्ट ऑल दी जॉब सीकर्स की प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दी फ्रॉड, एंड इन सब चीजों पर ध्यान दें और अच्छी कंपनीज में इंटरव्यूज पर जाएं। जरूरी नहीं है बड़ी कंपनीज अच्छी हो, छोटी कंपनीज भी अच्छी कंपनीज हो सकती हैं, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये जॉब आपके लिए है या नहीं है। सेकंड थिंग, क्या ये जॉब फेक है या जेन्युइन है। आई होप मेरी टिप्स आपको हेल्प करेंगी आइडेंटिफाई करने के लिए कि जॉब फेक है या जेन्युइन है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ जॉब सीकर्स की हेल्प करना चाह रही हूँ, मेरी इंटेंशन किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को पर्टिकुलरली टारगेट करने की बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ जॉब सीकर्स को ये चीज इंफॉर्मेशन देना चाह रही हूँ कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं फेक या जेन्युइन ऑफर्स को या जॉब्स को। सो दिस इज सरोज फ्रॉम टूरिज्म स्कूल। अगर आपके कोई क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं तो प्लीज डोंट हेजिटेट, राइट टू मी, आई विल वेलकम ऑल योर क्वेरीज एंड विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस। थैंक यू।